जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी 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 संगत, बहुत बहुत शुक्राना आप सब आयो। बड़ी मुद्दत के बाद गुरु जी ने यहाँ के सत्संग शुरू कराए हैं एवरी मंथ सेकेंड थर्सडे। और आज गुरु जी इतने खुश हुए कि उन्होंने, मैं दरबार बंद करके गई थी, 4 बजे दरबार खोलना था और 4 बजे मैंने दरबार खोला और गुरु जी ब्रोच लगा के गए। गुरु जी ब्रोच खुद लगा के गए अपने ड्रेस में कि कोई कमी ज्योति आंटी तू डाल रही है, माला तो तूने पहनाई नहीं, तो मैं ब्रोच खुद ही लगा लेता हूँ। और वो खुद ब्रोच लगाया उन्होंने। और जब ये चोला मैं और मेरी बिटिया पहना रहे थे, 5 मिनट बाद इस चोले से इतनी इतनी गुलाब की खुशबू आई तो मैंने कहा अच्छा जो चोला दोनों पसंद आ गया। अब एक सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी संगत आई है, सावन चल रहा है दूसरा महीना, बहुत सालों बाद 2 महीने पड़े हैं सावन के, प्लीज सारी संगत से मेरी अरदास है हाथ जोड़ के शिव पुराण शुरू कर दो। चाहे साल का ले लो, 20 दिन का ले लो, डिवाइड कर लो पेजेस, एक एक पेज पढ़ सकते हो एक एक पेज पढ़ो, पर शिव पुराण सब लोग शुरू कर दो, कोई मत छोड़ो। गुरु जी कहते थे 3 बार शिव पुराण सब लोग पढ़ो हैं। अगर हम लोगों ने अभी भी शुरू नहीं की, प्लीज शुरू करो, टाइम नहीं है, कोई टाइम तो होगा अपने लिए। हम लोग क्या इतना भी नहीं निकाल सकते, सारे घर के लिए, बाहर के लिए, बॉस के लिए, ऑफिस के लिए, सबके लिए हम लोग जिंदगी निकाल रहे हैं। सिर्फ अपने लिए हम 15-20 मिनट आधा घंटा शिव पुराण का एक पेज 2 पेज प्लीज शुरू करिए। और उस दौरान सावन के महीने में जब आप शिव पुराण कर रहे हो, नो नॉनवेज। गुरु जी इन चीजों को नहीं मानते थे क्योंकि उनको पता था कि संगत के लिए नॉनवेज छोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो बोलते नहीं थे। पर वो ये जानते थे जैसे जैसे संगत मेरे में रमेगी वो अपने आप उसका नॉनवेज से दूर होता जाएगा। तो शिव पुराण वो ही पढ़े जो नॉनवेज ना छूए, ड्रिंक ना करें, किसी किस्म का नशा ना करें। तो इस चीज का, इस प्रोटोकॉल का सब ध्यान रखें। और क्या है, थोड़ा दिन 1-2 महीने अगर हमने गुरुजी को दे दिया, उनका शिव पुराण पढ़ भी लिया, तो क्या हर्ज है ना, कर सकते हैं ना हम लोग सब। कौन कौन करेगा, हाथ खड़े करिए, वेरी गुड। आप सोचिए 5 बार जो शिव पुराण पढ़ लेता है उसको तो गुरु जी के इतने दर्शन होने लगते हैं, इतने दर्शन होते हैं मैं बता नहीं सकती, भुक्त भोगी हूं। और कई संगत तो ऐसे हैं कि 8-8 बार से ऊपर हो गया है, 7वीं बार तो गुरु जी साथ साथ शिव में दर्शन दे देते हैं। शिव पुराण पढ़िए, उसमें बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं, आप सोच भी नहीं सकते, आप उतने तक वहां तक पहुंच भी नहीं सकते, इतनी ब्लेसिंग्स हैं। ये जो आके यहाँ दर्शन देते हैं ना और सारी संगतों को खींच लाते हैं, ये शिव पुराण का भी असर है। तो जरूर आप लोग सब करिएगा, अपने लिए करना है, अकेले आए थे अकेले जाना है, तो थोड़े से हम लोग अपना देख सकते हैं, है ना। किसी ने हमारे साथ तो जलना नहीं है, ना हमारे कर्म कटाने, हमको खुद ही करना है। तो जब खुद करना है, जैसे यीशु ने धरती पे भेजा था वैसे करें, ठीक है ना। मैं एक बात और कहती हूँ, जब बच्चा पैदा होता है पंडित जी उसके डेट टाइम और उसके हिसाब से पत्री बना देते हैं। उस संगत को मैंने बोला भी, क्या पैदा हुआ बच्चा एकदम कर्म बना देता है, कभी उसका शनि भारी, कभी उसका कुछ और भारी, अभी उसको दुनिया में आए कुछ सेकंड्स भी नहीं हुए और उसके बाप रे बाप इतना भारी जन्म कुंडली जो बनाते हैं वो बन जाती है। तभी तो कहते हैं गुरु जी जन्म कुंडलियों पर मत विश्वास करो, इसलिए कि जो हमारा पूर्वज होते हैं कर्म वो हमारे इस जन्म में हमें भोगने पड़ते हैं। और गुरु जी तो खुद ही कहते हैं कि जो इंसान, अगर मैं तुम सबको आपके कर्म दिखाने लग जाऊं पिछले जन्मों के, तो आप कहोगे धरती फट जाए हम इसमें घुस जाएं। तो 90% वो कर्म तो वैसे ही कटा दे रहे हैं, 10% ही हमें देखना है, तो क्यों ना आज से शिव पुराण हो जाए, ठीक है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अगले महीने फिर सबने आना है सेकंड थर्सडे। और अभी भारतीय आंटी के घर भी है, सबने आना है 16 को, 16 अगस्त को, 13 अगस्त को और भी है, और 15 को भी है। तो सावन के महीने में इस बार सत्संग है, तो सब मिलके पहुंचेंगे। जय गुरु जी।